नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने तीन एक फंक्शंस के बारे में बात की। पहला तो हमने बात की एकीकी फंक्शन, सेकंड हमने बहुएकी या फिर मिनिमल फंक्शन, और थर्ड हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इनटू फंक्शंस की। ठीक है, तो देखो इनटू फंक्शंस की हमने डेफिनेशन कर ली थी। अब इसका एक एग्जांपल देना है आपको कि इनटू फंक्शंस का कोई एग्जांपल मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, अंतरछेपी फलन हो। तो इसका एग्जांपल देखिए, आपने एक फंक्शन ले लिया एफ जो कि डिफाइन हो रहा है कहाँ से, एन से एन में। ठीक है, फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है एन से एन में, और या फिर अगर आप ऐसे ना कहो तो आप ऐसे कह दो कि एक फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है ए से बी में, जहाँ ए क्या है, जहाँ पर ए है 1, 2, 3, 5। ठीक है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 5, और बी में एलिमेंट है 2, 4 और 6। ठीक है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, सेट बी में आपने कौन कौन से एलिमेंट मान लिए, 2, 4, 6, 8, 10। और फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स बराबर 2x। ठीक है, फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x या एफ ऑफ ए बराबर 2a, जहाँ पर ईच ए किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखो अंतरछेपी फलन है, तो कोई भी फंक्शन इनटू फंक्शन या अंतरछेपी फलन कहलाता है यदि कोडोमेन बी में मतलब फंक्शंस के कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इन्वर्स इमेज या फिर जिसका पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में ना हो। ठीक भाई, मतलब कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए कि जिसकी इनवर्स इमेज डोमेन में एग्जिस्ट ना हो। ठीक है भाई, किस में एग्जिस्ट ना होनी चाहिए, इनवर्स इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखते हो यहाँ पर कि एफ ऑफ वन किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ वन बराबर आ रहा है 2 × 1 = 2 के। इसी प्रकार एफ ऑफ टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ टू आ रहा है 2 × 2, और ये किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर। इसी प्रकार एफ ऑफ थ्री बराबर आएगा 2 × 3, और 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, जबकि एफ ऑफ फाइव क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब आप देखते हो कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एफ इमेज कोडोमेन में एग्जिस्ट है। 1, 2, 3, 5 की एफ इमेज कह रही है, 2, 4, 6, 10 ये कोडोमेन में एग्जिस्ट है। लेकिन अगर आप देखते हो कि अगर आप इनकी इनवर्स इमेज भी निकालते हो, अगर आप इन एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज निकालते हो, तो 2 की इनवर्स इमेज क्या आ रही है, 1, 4 की इनवर्स इमेज 2, 6 की इनवर्स इमेज 3, 10 की इनवर्स इमेज 5। लेकिन आप देखते हो कि एफ इनवर्स 8 की, या 8 की एफ इनवर्स 8 की इनवर्स इमेज किसके बराबर आ रही है, 8 की इनवर्स इमेज बराबर आ रही है 5 के। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन में जो कोडोमेन का एलिमेंट है 8, उसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट नहीं है। इनवर्स इमेज किसके बराबर आ रही है, 5 के बराबर आ रही है। मतलब दिया गया फलन कैसा फलन है, दिया गया फलन एफ अंतरछेपी फलन है। ठीक है भाई, दिया गया फलन एफ कैसा फलन है, दिया गया फलन एफ अंतरछेपी फलन है। ठीक है भाई, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये अंतरछेपी फलन का एग्जाम्पल हो गया। अब आप का नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन आता है आपका ऑनटू फंक्शन या फिर आच्छादक फलन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आपका फंक्शन है ऑन टू, ठीक है, या फिर आच्छादक फलन। तो देखो आच्छादक फलन होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है भाई, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो देखो आच्छादक फलन, आच्छादक फलन
या ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब देखो आपने अगेन एक फंक्शन ले लिया f, अगेन एक फंक्शन f ले लिया जो कि डिफाइन हो रहा है a से b में, ठीक है, जो कि किस में डिफाइन हो रहा है, a से b में डिफाइन हो रहा है। और किस प्रकार से कि f ऑफ, कि f ऑफ a किसके बराबर है, b के। f ऑफ a किसके बराबर है, b के, जहां पर ईच a, जहां पर ईच a किसका एलिमेंट है, सेट a का, ईच b किसका एलिमेंट है, सेट b का एलिमेंट है। अब देखिए यहां पे फंक्शन आपने a से b पे डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन f, फंक्शन f ऑन टू फंक्शन कहलाता है, फंक्शन f ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि, यदि समुच्चय b के, यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का, यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब। आपको करना क्या है, समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब निकालना है, और उसका पूर्व प्रतिबिंब, या फिर आप ये कह सकते हो कि यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का कम से कम, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो, समुच्चय a में विद्यमान हो, एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय a में विद्यमान हो, ठीक भाई। किसमें एग्जिस्ट होना चाहिए इसका पूर्व प्रतिबिंब, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब, इनवर्स इमेज सेट a में विद्यमान होनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है आपका ऑन टू फंक्शन। दोबारा से देख लीजिए डेफिनेशन, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया f सेट a से सेट b में, किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ a बराबर b, मतलब a की f इमेज क्या है, b, और b क्या कहलाता है, a की b तो कहलाता है f की इमेज, a इमेज f इमेज, और a क्या कहलाता है, b की f इनवर्स इमेज या फिर इनवर्स इमेज। अब देखिए यहाँ पे ईच a है वो किसका एलिमेंट है, सेट a का, ईच b है वो किसका एलिमेंट है, सेट b का एलिमेंट है। अब देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन f ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब किस में विद्यमान होना चाहिए, समुच्चय a में विद्यमान होना चाहिए। अगर समुच्चय a में विद्यमान है कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव का, तो आप क्या कह सकते हो, फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेट इज, डेट इज ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल पी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच डैट, सच डैट एफ इनवर्स बी किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, कि एफ इनवर्स बी किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होती होगी। देखिए माना, माना f समुच्चय a से b में, समुच्चय a से b में कोई फलन है, समुच्चय a से b में कोई फलन है, डेट इज, डेट इज f फ्रॉम a to b such that f of a बराबर b, जहाँ पर each a किसका एलिमेंट है, स्मॉल a
कैपिटल ए का और स्मॉल बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का। ठीक है, तो ये एक आपने फंक्शन मान लिया। तब फलन एफ, तब फलन एफ आच्छादक फलन कहलाता है, तब फलन एफ आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय बी का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो, एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो, किसमें विद्यमान हो, समुच्चय ए में विद्यमान हो। ठीक भाई, अब ये आपने जो स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप मैथमेटिकली भी इस प्रकार से लिख सकते हो कि अर्थात या डेट इज ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच डैट बी बराबर एफ ऑफ ए, सच डैट बी बराबर एफ ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स बी बराबर ए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स बी बराबर ए, मतलब समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल बी का कम से कम एक अवयव, सॉरी समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल बी के लिए एक अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इस प्रकार से विद्यमान हो कि बी बराबर क्या हो एफ ऑफ ए या एफ इनवर्स बी बराबर क्या हो ए के। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक नोट देखो, जब भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इनवर्स इमेज आपको सेट ए में मिल रही है। सेट ए में मिल रही है कहने का मतलब है कि रेंज सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इनवर्स इमेज आपको सेट ए में मिल रही है, तो मतलब जो रेंज सेट है, मतलब इस फंक्शन का जो रेंज सेट है वो किसके बराबर है, को डोमेन के बराबर, और रेंज सेट को किससे व्यक्त करते हो आप, एफ ऑफ ए से। तो हम कह सकते हैं कि जब भी फलन ऑन टू हो तो हमेशा रेंज सेट किसके बराबर होगा, को डोमेन के बराबर। तो लिख दीजिए नोट फर्स्ट, यदि फलन एफ आच्छादक फलन है तो एफ का परिसर बराबर एफ का सहप्रांत, तो एफ का जो रेंज सेट है वो किसके बराबर होगा, एफ के कोडोमेन के बराबर, डेट इज एफ ऑफ ए बराबर बी, डेट इज एफ ऑफ ए बराबर बी। सेकंड देखिए, सेकंड नोट, यदि फलन एफ आच्छादक फलन है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कहने का मतलब है कि डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन की कार्डिनलिटी क्या तो बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड नोट हो गया। अब इसके बाद एक एग्जांपल देख लीजिए, आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर से आपने फंक्शन डिफाइन किया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, और या फिर आप ऐसे ना कहो तो आप ऐसे कह दो कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक है भाई, किस प्रकार से डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो आपने फंक्शन डिफाइन किया है, तो देखो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, आपको पता है एफ ऑफ वन की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ वन की इमेज वन स्क्वायर बराबर वन। ठीक है, इसी प्रकार एफ ऑफ माइनस वन की इमेज क्या होगी, एफ ऑफ माइनस वन की इमेज होगी माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। इसी प्रकार एफ ऑफ टू की इमेज क्या होगी, टू स्क्वायर बराबर फोर
बराबर, ऐसे नहीं रुको, 2 मिनट के आप ऐसे मानिए फंक्शन। आपने एक फंक्शन मान लिया f सेट a से सेट b में, ठीक है, जहाँ पे a में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 -1 2 -2 3 -3, और b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, b में है 1 4 9, ठीक है, b में कौन कौन से एलिमेंट है 1 4 9, और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, जहाँ पर ईच x किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए आप इमेज निकालिए प्रत्येक एलिमेंट की, f ऑफ 1 बराबर f ऑफ माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 1 के। इसी प्रकार 2 की और माइनस 2 की इमेज निकालिए, ये क्या आएगी 4, और 3 की और माइनस 3 की इमेज निकालिए तो इसकी इमेज क्या आएगी 9। आप देखते हो कि ये किसके एलिमेंट है, तीनों तीनों 1 4 9 सेट बी के एलिमेंट है, सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में विद्यमान है, इस एक का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1 और -1, इस 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 2 -2, इस 9 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 3 -3। तो आप देख रहे हो कि समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान है, अर्थात फलन एफ कैसा है, अर्थात फलन एफ आच्छादक फलन है, अर्थात फलन f आच्छादक फलन है। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सेट की कार्डिनलिटी, यहाँ पे a की कार्डिनलिटी कितनी है 6, b की कार्डिनलिटी कितनी है 3। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखाया था, नोट लिखाया था कि कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b, ठीक है, तो हमेशा सेट एक डोमेन की कार्डिनलिटी को डोमेन की कार्डिनलिटी का तो बराबर होगी या फिर इससे अधिक होगी, ठीक है। तो सेकेंड नोट भी सिद्ध हो गया, और साथ साथ आप देख के चलते हो कि यहाँ पे जो फलन का कोडोमेन है, कोडोमेन बी है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 4 9, जबकि इस फलन के रेंज सेट में भी कौन कौन से एलिमेंट है 1 4 9, तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी फंक्शन ऑन टू होगा तो रेंज सेट और कोडोमेन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आप लिख सकते हो अर्थात एफ ऑफ ए बराबर बी बराबर 1 4 9, ठीक है, तो ये आपके ऑन टू फंक्शंस का एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 1 1 ऑन टू फंक्शन। अभी टोटल 4 फंक्शन हुए हैं, 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इन टू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन या एक एक की आच्छादक फलन, कौन सा, एक एक की आच्छादक फलन, ठीक है। अब देखो एक एक आच्छादक फलन क्या होता है वो भी देखिए, एक एक की आच्छादक फलन, आपका पांचवा नंबर का कंसेप्ट वो है फंक्शन एक एक की आच्छादक फलन, एक एक की आच्छादक फलन या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। देखो क्या होता है डेफिनेशन, आपने एक फंक्शन माना ए से बी में, ठीक है, तो माना एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन है, ठीक भाई, एफ को क्या माना आपने, ए से बी में एक फंक्शन माना, डेट इज एफ फ्रॉम ए टू बी सच डैट एफ ऑफ ए बराबर बी, जहाँ पे ईच ए किसका एलिमेंट स्मॉल है, सेट ए का, और स्मॉल बी किसका एलिमेंट है, सेट बी का, ठीक है। तो डैट इज एफ फ्रॉम ए टू बी सच डैट एफ ऑफ ए बराबर बी, ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। तब ये फलन एफ, तब फलन एफ एक एक की, तब फलन एफ एक एक की आच्छादक फलन कहलाता है, एक एक की आच्छादक फलन कहलाता है,
यदि दो कंडीशन है भाई, इसकी दो कंडीशन है, फलन ए के क्या आच्छादक कहलाएगा यदि फंक्शन ए के हो, यदि मतलब फंक्शन ए के की भी हो और आच्छादक भी हो। ए के की का मीनिंग क्या होता है, ए के की का मीनिंग होता है कि इस सेट ए के कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट की हमेशा कोडोमेन में क्या मिलनी चाहिए, डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है इस सेट ए से आपने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए, एक तो स्मॉल ए वन और एक स्मॉल ए टू, ठीक है, तो उनकी एफ इमेज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू, तो वो दोनों भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब समुच्चय ए के किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की हमेशा इमेज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और सेकंड क्या है, सेकंड है कि समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब किस में विद्यमान हो, समुच्चय ए में विद्यमान हो। जो अभी ऑन टू की डेफिनेशन लिखाई थी वही डेफिनेशन आएगी कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो, ठीक है। तो देखो यदि समुच्चय ए के समुच्चय ए के किन्हीं भी दो भिन्न अवयवों के एफ प्रतिबिंब समुच्चय बी में भिन्न हो, समुच्चय बी में क्या हो, भिन्न हो, ठीक है, भिन्न मतलब डिफरेंट हो। डेट इज ए वन डज नॉट इक्वल टू ए टू, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए वन डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए टू, जहाँ पे ईच ए वन और ए टू किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड है कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान हो, समुच्चय ए में विद्यमान हो, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो, किसमें विद्यमान हो, समुच्चय ए में विद्यमान हो। डेट इज ईच स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच डैट एफ ऑफ ए बराबर बी, एफ ऑफ ए किसके बराबर हो, बी के बराबर हो, ठीक है। तो ये क्या, ये फंक्शन का वन वन ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई कि कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू कहलाएगा यदि समुच्चय ए के किन्हीं भी दो भिन्न अवयवों के एफ प्रतिबिंब क्या हो, समुच्चय बी में भिन्न हो, साथ के साथ समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे वन वन ऑन टू फंक्शंस के एग्जांपल कराएंगे, साथ के साथ कुछ अन्य फंक्शंस के बारे में बताएंगे, तीन फंक्शन और शेष है उनके बारे में बताएंगे, और आज का लेक्चर कंप्लीट होता हुआ।